लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन कंप्लीट किया था, वो था फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म का हमने मतलब ये बता रखा था कि किस तरह से एक प्लांट में फ्लावरिंग को लाइट के माध्यम से इंड्यूस किया जा सकेगा, यानी किसी प्लांट में फ्लावरिंग को आप शुरू करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये था फोटो पीरियडिज्म। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी प्लांट में फ्लावरिंग को आप इंड्यूस करेंगे या उस प्लांट में फ्लावरिंग कराएंगे विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की मदद से आप किस तरह से पौधों में फ्लावरिंग कराएंगे, इस फिनोमिनन को ही कहा जाता है वर्नलाइजेशन। तो पौधों में फ्लावरिंग का होना ड्यू टू या विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर इज नोन एज वर्नलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग एक साइंटिस्ट के नाम से शुरू करेंगे। जो टर्म वर्नलाइजेशन है, टर्म वर्नलाइजेशन, वॉज गिवेन बाई वॉज गिवेन बाई अ रशियन साइंटिस्ट अ रशियन साइंटिस्ट इनका ज़रा नाम देखिए, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग देखिए क्या है, इनका नाम है लाइसेंको, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, लाइसेंको। वर्नलाइजेशन के लिए कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। तो वर्नलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नाम देखिए इंपॉर्टेंट, पहला नाम स्प्रिंगीफिकेशन और स्प्रिंगीफिकेशन के अलावा नाम देखिए इसका, स्प्रिंगीफिकेशन। दूसरा नाम है येरोवाइजेशन और जेरोवाइजेशन। तो ये सारे नाम हैं किसके, वर्नलाइजेशन। अब इससे पहले कि हम लोग वर्नलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन पर चलें, इससे पहले हम लोग कुछ डिटेल में बात वर्नलाइजेशन की करें, ताकि एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे एनुअल प्लांट्स। आप जानते हैं एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए एक साल ले, यानी जिनकी लाइफ साइकिल एक साल में समाप्त हो जाए, जो अपनी लाइफ साइकिल को एक साल में कंप्लीट कर लें, यानी एक साल में फ्लावरिंग कर लें, उन्हीं को कहते हैं हम लोग एनुअल्स। अब एनुअल्स को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल है राई और एक एग्जाम्पल है वीट। ये तीनों एनुअल्स हैं, तीनों की लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट हो जाती है, यानी तीनों में फ्लावरिंग एक साल के अंदर हो जाती है। अब ये जो एनुअल्स हमने बना रखे हैं, इन एनुअल्स की दो वैरायटी पाई जाती हैं। ये टॉपिक आपको बुक से आएगा नहीं समझ में, इसलिए बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिए, इसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसकी दो वैरायटीज हैं, ये जितने एनुअल्स हैं इनकी दो वैरायटीज
इन दो वैरायटीज में से पहली वैरायटी कहलाती है विंटर वैरायटी, जाड़े वाली वैरायटी, विंटर वैरायटी, और दूसरी कहलाती है स्प्रिंग वैरायटी। एक विंटर वैरायटी और दूसरी कहलाती है स्प्रिंग वैरायटी। अब जो ये दो वैरायटी हैं, ये वैरायटीज किस किस सीज़न में ग्रो करेंगी और किस सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाएगा, और इन वैरायटीज़ में से कौन कौन सी वैरायटीज़ पर लो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट दिखाई देगा, इसकी स्टडी अब हम लोग करने जा रहे हैं कि ये दो वैरायटी जो हैं ये कब ग्रो करती हैं, कब इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है यानी कटाई होती है इसकी, और इनमें से किस वैरायटी में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिखाई देता है यानी वर्नलाइजेशन दिखाई देता है। पहला हम लोग लेके चलते हैं स्प्रिंग वैरायटी ऑफ वीट। स्प्रिंग वैरायटी ऑफ वीट, वीट को लेके चल रहे हैं हम लोग, यानी इनमें से ये वाला लेके चल। अब इससे पहले हम लोग स्प्रिंग वैरायटी पे आए वीट की, पहले ये देख लिया जाए कि साल में जो चार मौसम होते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा मौसम पहले आता है, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। तो हम लोग शुरू करते हैं विंटर्स से। साल में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विंटर से। विंटर यानी जाड़े और गर्मी के बीच में एक सीज़न होता है, उसे कहा जाता है स्प्रिंग सीज़न। विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग सीज़न के बाद आता है समर सीज़न, गर्मी, और फिर गर्मी और जाड़े के बीच में एक सीज़न आता है, उसको हम कहते हैं पतझड़ यानी ऑटम। तो ये सीक्वेंस है सीज़न का, पहले विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, फिर विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, इसी तरह चलता रहता है। अब जो ये स्प्रिंग वैरायटी है इसके बारे में बात शुरू की जाए। जो स्प्रिंग वैरायटी है ये ग्रो कराई जाती है स्प्रिंग सीजन में। इट इज ग्रोन इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराई जाती है। अब स्प्रिंग सीजन आप देख रहे हैं, जाड़ा और गर्मी के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, जब जाड़ा जा रहा होता है और गर्मी आ रही होती है उस समय स्प्रिंग सीज़न कहलाता है। ये कब का समय होता है? ये मेनली बात होती है फरवरी और मार्च की। फरवरी मार्च में कौन सा सीज़न मेनली रहता है? स्प्रिंग सीज़न। इस स्प्रिंग सीज़न में इस वैरायटी को ग्रो कराया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग सीजन में ये वैरायटी ग्रो कराई जा रही है। यानी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि कब ग्रो कराई जा रही है। अब ये वैरायटी जो है मैच्योर हो जाती है कटाई के लिए यानी हार्वेस्ट के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। ये समय आप जानते हैं, यानी यहाँ पर तो हो गई मैच्योरिटी, और ये मेनली है क्या कहते हैं, ये स्प्रिंग सीजन का अंत है यानी एंड ऑफ स्प्रिंग। एंड ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग के अंत में ये हो गया मैच्योर वाला पार्ट कि यहाँ पर फसल पूरी बन गई, और ये वाला पार्ट हो गया हार्वेस्ट, इसी महीने में इसे इसकी कटाई कर ली जाती है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब इन वैरायटीज़ के कुछ नाम हम लिखेंगे। ये जो स्प्रिंग वैरायटी है इसका पहला नाम देखिए, ये कम समय में, देखिए फरवरी मार्च में बुआई हुई, अप्रैल मई में कट गया फसल, तो ये कहलाता है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, हम वी लिख रहे हैं, वी मतलब वैरायटी,
शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। इसको एक नाम और दिया जाता है, ये होती है हाई यील्डिंग वैरायटी। तो हमने कहा था कि ये तीन चीज़ें जानेंगे, कब बोया गया, कब काटा गया, और लो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट उस पर है या नहीं। तो दो बातें तो हो गई कि कब ग्रो किया, कब हार्वेस्ट किया। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इस पे लो टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट है फ्लावरिंग को लेके कि नहीं है। तो कहते हैं इस वैरायटी पे लो टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी लो टेम्परेचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय दिस वैरायटी। लो टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस वैरायटी, यानी यहाँ लो टेम्परेचर देख के इसमें फ्लावरिंग नहीं कराई जा सकती। तो ये वर्नलाइजेशन टॉपिक के हिसाब से तो किसी काम का नहीं है। पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि अगली वैरायटी को जब हम पढ़ाएं विंटर वैरायटी को तो आपको समझ में आ पाए। तो यहाँ वर्नलाइजेशन का कोई काम नहीं है, ये स्प्रिंग वैरायटी कम समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। एनुअल्स हैं ये, सब ध्यान रखिए। अब अगली वैरायटी की बात हम लोग करते हैं, वो है विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट। विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट, अब ये वैरायटी ग्रो कब कराई जाती है, यानी इसकी बुआई कब होती है इसकी फसल की। तो कहते हैं इसकी बुआई होती है ऑटम में ना। तो इसके लिए आप लिखेंगे इट इज ग्रोन इन ऑटम, ऑटम में इसकी बुआई होती है। हाँ, अगर ये कह दिया जाए कि भाई इसकी बुआई आप स्प्रिंग में कर दीजिए, जिस भी स्प्रिंग वैरायटी कर रहे हैं, तो कहेंगे अगर आप विंटर वैरायटी को आपने ऑटम की बजाय स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराया तो कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। तो कहेंगे नो फ्लावरिंग इफ ग्रोन इन स्प्रिंग सीजन। तो ये तो मजबूरी हो गई कि आपको इसी में कराना होगा, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसमें फ्लावरिंग के लिए बुआई इसकी कब होनी चाहिए, ऑटम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके केस की तरफ कि बुआई के महीने क्या होंगे। तो बुआई करने के लिए यानी इसको ग्रो कराने के लिए सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना होगा। आप जानते हैं यही दो महीने जो हैं ये ऑटम में आते हैं, जब गर्मी जा रही होती और जाड़ा आ रहा होता है, उसके बीच का जो समय होता है सितंबर अक्टूबर, वो समय होता है ऑटम का यानी पतझड़ का। तो ये एक्चुअल में है ऑटम, और ऑटम में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑटम में इसको ग्रो करा रहे हैं। आगे देखिए, अब इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाएगी, यानी फसल पूरी तैयार कब हो जाएगी। एक ही साल में होनी है क्योंकि एनुअल है। तो ये फसल पूरी तैयार हो जाएगी अप्रैल और मई में। और हम लोग जानते हैं अप्रैल और मई का मतलब ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि यानी एंड ऑफ स्प्रिंग। तो बुआई पतझड़ में हुई यानी ऑटम के सीज़न में, और इसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग जो हो रही है वो मेनली अप्रैल मई में यानी स्प्रिंग के एंड में, बिल्कुल वो उसी समय पर जब स्प्रिंग वैरायटी की कटाई होती है। तो यहाँ पर एंड ऑफ स्प्रिंग में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, यानी यहाँ पर मैच्योरिटी होगी, ये मैच्योर होगा, यहाँ पर फसल तैयार है। इसके आधार पर इस वैरायटी के भी कुछ नाम हैं। तो आप देख रहे हैं लंबा समय ले रहा है इस वैरायटी के मुकाबले, ये बहुत कम समय ले रहा है, लंबा समय ले रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी कहा था। तो इसको हम लोग कह देंगे लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी। ये भी हाई यील्डिंग होगी ऊपर वाले की तरह। तो ये बिल्कुल जो ऊपर की वैरायटी है ठीक उसकी तरह इसका पॉइंट मिलता हुआ है। ये दोनों हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं।
और तीसरी बात कि इस वैरायटी में लो टेम्परेचर ज़रूरी नहीं था, लेकिन विंटर वैरायटी में इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। यहाँ लो टेम्परेचर की बात चलेगी, यानी वर्नलाइजेशन को हम यहीं पर समझाएंगे। समझ आ रहा है? अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। अब अगर हमें विंटर वैरायटी में लो टेम्परेचर के इफेक्ट को क्रिएट करना है, यानी वर्नलाइजेशन को करना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे कि जो विंटर वैरायटी है उसके सीड्स ले लेंगे, बीज ले लिए इसके। तो ये हो गए सीड्स ऑफ विंटर वैरायटी, सीड्स ऑफ विंटर वैरायटी, विंटर वैरायटी। अब इसके साथ ट्रीटमेंट देखिए क्या होगा। इसको पहले हम पानी में भिगो लेंगे, ये सारी बीजें जो हैं इनको हम पहले पानी में भिगोएंगे, यानी सोक्ड इन वाटर। पहला ट्रीटमेंट इसके साथ होगा कि आप पहले सारी बीज को पानी में भिगो लें, तो सोक्ड इन वाटर। दूसरा क्या होगा कि इसे आप आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर दें, एटमॉस्फेयर में लो टेम्परेचर नहीं है, आप इसे लैब कंडीशन में आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर दे दें। कितना आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर दिया जाता है? तो कहते हैं वर्नलाइजेशन के लिए टेम्परेचर की रेंज आती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। वाकई में लो टेम्परेचर है, देख सकते हैं आप। अब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ये जो वैरायटी है, यानी जो विंटर वैरायटी है, इट विल शो अर्ली फ्लावरिंग। इसे फ्लावर कब करना है? इसे फ्लावर करना है, मैच्योरिटी लेनी अप्रैल मई में जाकर। लेकिन अगर आपने इसके बीज को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया तो इट विल शो अर्ली फ्लावरिंग, यानी ये अप्रैल मई से पहले ही मैच्योर हो जाएगी। अब इसका रीज़न देखिए क्या होगा। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में लाइफ स्पैन जैसी चीज़ पढ़ चुके हैं। लाइफ स्पैन के कई भाग थे, पहला जुविनाइल फेज़ और फिर मेच्योरिटी फेज़। मेच्योरिटी फेज़ में ही प्लांट के केस में फ्लावरिंग होती थी, या फ्लावरिंग प्लांट के केस में फ्लावरिंग मेच्योरिटी फेज़ में होती थी। तो यहाँ पर जब कोई सीड जो है उसको ग्रो कराया जाता है तो उसका पहला आर्टिफिशियल फेज़ उसका, वो सॉरी, जब ग्रो कराया जाता है तो उसको पहला फेज़ उसका वेजिटेटिव फेज़ होता है। फिर उसके बाद वेजिटेटिव फेज़ के बाद वो आता है मैच्योरिटी फेज़ में। तो यहाँ जब विंटर वैरायटी को आपने लो टेम्परेचर दे दिया तो उसका जो जुविनाइल फेज़ है वो छोटा हो गया, और जब जुविनाइल फेज़ छोटा हुआ तो इसका मतलब वो जल्दी से मैच्योर हो जाएगा। यानी जुविनाइल फेज शॉर्ट कर गया तो जल्दी से मेच्योरिटी फेज आएगा, इसका मतलब फ्लावरिंग जल्दी होने लगेगी। ये हो रहा है। आप इसमें एक लाइन यहां पर लिख लेते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी। कौन है लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी? विंटर वैरायटी। कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी बाई आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। बाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, बाय आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट बिकॉज। तो अभी अभी बिकॉज हमने बताया, बताइए बिकॉज यहां पे हो जाएगा कि यहां पर जुविनाइल फेज छोटा हो जाएगा, इसके वजह से अर्ली फ्लावरिंग होगी। बिकॉज इट डिक्रीजेस,
the juvenile phase. It decreases the juvenile phase of plant and enhance the process of flowering. जब आप वर्नलाइजेशन किताब से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, लेक्चर सुनने के बाद आप पढ़ें क्लियर रहेगा आपको। एनुअल्स हम लोगों ने पूरे कर लिए, अब हम लोग आते हैं वर्नलाइजेशन के ही केस में बाइनियल्स पर। बाइनियल्स में पहले उदाहरण लिख लें। उदाहरण में पहला है कैबेज, दूसरा है शुगर बीट, तीसरा है कैरेट। बाइनियल्स याद आपको ना हो तो दोबारा से बता दें, बाइनियल्स का मतलब ये कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करें, पहले साल पूरा वेजिटेटिव फेज चलाएं और दूसरे साल पे वो फ्लावरिंग करें और फ्रूटिंग करें, तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं बाइनियल्स। ये जो प्लांट्स हैं कैबेज, शुगर बीट और कैरेट, ये जो तीन तरह के हमने आपको बाइनियल्स पढ़ाए हैं, ये तीनों बाइनियल्स जो हैं ये स्प्रिंग सीजन में इनकी बुआई होती है। दे आर ग्रोन इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में इनकी बुआई होती है। अब स्प्रिंग सीजन में जब इनकी बुआई हुई तो हम आपको जो सीज़न थे उनका पूरा एक फ्लो बता चुके हैं कि यहाँ पर अगर स्प्रिंग सीजन में इनकी बुआई होगी तो स्प्रिंग के बाद आएगा समर, फिर ऑटम और फिर विंटर। तो स्प्रिंग सीजन में बुआई हो गई, इसके बाद यहाँ पर आ गया समर, ऑटम और विंटर। तो यहाँ पर आएगा स्प्रिंग के बाद समर, फिर आएगा ऑटम और फिर आएगा विंटर। तो स्प्रिंग में हमने इनकी फसल बोई और उसके बाद समर, ऑटम, विंटर निकल गया। इस पूरे सीजन के दौरान, समर, ऑटम, विंटर के दौरान ये लगातार वेजिटेटिव फेज में रहेंगे, इन वेजिटेटिव फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग देखी नहीं हुई, केवल 4 सीजन बीत गए लेकिन केवल क्या पूरा हुआ, वेजिटेटिव फेज पूरा हुआ, वेजिटेटिव फेज। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसमें आते हैं कि फिर फ्लावरिंग कब होगी। तो कहेंगे विंटर जब बीत जाएगा और दोबारा से क्या आएगा, स्प्रिंग, तब फ्लावरिंग होगी। तो फ्लावरिंग होगी इसमें कब, कहते हैं स्प्रिंग सीजन में। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग सीजन पहले साल का है जब बुआई हुई, उसके बाद समर, ऑटम, विंटर में वेजिटेटिव फेज में रहा। ये स्प्रिंग सीजन दूसरे साल का है, तो दूसरे साल के स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग में 2 साल लग गए लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में, इसीलिए क्या है बाइनियल। अब इसमें हुआ क्या, जो सेकेंड स्प्रिंग सीजन में इसमें फ्लावरिंग हो गई, क्या स्पेशल हुआ वो देखिए। जब बाइनियल्स को स्प्रिंग में ग्रो किया गया पहले साल की, तो समर, ऑटम भी था, वेजिटेटिव फेज चल रहा था, विंटर आया, वेजिटेटिव फेज था। विंटर में इन प्लांट्स को लो टेम्परेचर मिल गया। अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि दे रिक्वायर लो टेम्परेचर, और वही देखिए इसे विंटर में लो टेम्परेचर मिला। और जब विंटर में इसे लो टेम्परेचर मिल गया तो तुरंत अगले स्प्रिंग सीजन में विंटर के बाद जो आया उसमें इसकी क्या हो गई, फ्लावरिंग हो गई। तो लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग हुई। अगला पार्ट इसमें देखिए, यहाँ पर किस तरह से इसको प्रोसेस को किया जाएगा। पहले इस वैरायटी के सीड्स ले लिए जाएंगे, सीड्स हैं बाइनियल्स के, और इनको आप दे दीजिए आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर। अगर आप इन्हें सीड्स को ही बोने से पहले
बुआई से पहले आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर दे दें। तो जब इन्हें आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर दिया जाता है तो ये पहले ही साल में फ्लावरिंग करने लगते हैं, क्योंकि खुद देखिए इसको 2 साल क्यों लग रहा था, क्योंकि पहले साल के विंटर में इसे ठंडा या लो टेम्परेचर मिला, तब अगले साल इसने फ्लावरिंग की। अब अगर हम इसे शुरुआत में ही लो टेम्परेचर दे दें तो ये पहले ही साल में फ्लावरिंग कर लेगा। शो फ्लावरिंग इन फर्स्ट ईयर, इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उस पर ध्यान दें कि अगर किसी बाइनियल के सीड्स को हम आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर दे दें तो वो दूसरे साल में फ्लावरिंग करने के बजाय पहले ही साल में फ्लावरिंग कर लेता है। इसका मतलब वो 2 साल की जगह एक ही साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब अगर किसी बाइनियल के सीड को हम लो टेम्परेचर दें तो वो बाइनियल एनुअल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 साल की जगह 1 साल में मैच्योरिटी देने लगेगी। ये इफेक्ट हो गया किसका, वर्नलाइजेशन का, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग कराना। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसमें देखते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इस पे क्वेश्चन आता है रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखिए वर्नलाइजेशन के लिए, कि अगर आपको किसी प्लांट में वर्नलाइजेशन कराना है यानी लो टेम्परेचर के माध्यम से फ्लावरिंग करानी है, तो जब आप उसके सीड्स को लो टेम्परेचर देंगे तो उससे पहले आप उसके सीड्स में सीड्स को हाइड्रेट कर लें, यानी उसे पानी से ट्रीट कर लें, शुड बी हाइड्रेटेड, पानी उसमें, उस बीज को पानी में डालने दें। मैं ऊपर दिखाया भी है सोक्ड इन वाटर, देख लीजिए इसीलिए किया था, पहले हाइड्रेटेड होना चाहिए, उसके बिना वर्नलाइजेशन काम नहीं करेगा। पूछा जाए भाई कितना इसको हाइड्रेट कर लें, तो कहते हैं इतना कर लें कि इस सीड के अंदर 50% वाटर कंटेंट हो जाए, 50% तक वाटर कंटेंट हो जाना चाहिए, इतना पानी में भिगोएं आप इसको। दूसरा, इस बीज को आप ऑक्सीजन दें, यानी इसके लिए एरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करें, वर्नलाइजेशन के लिए। तीसरा कैरेक्टर, इस सीड को जिसको आप लो ट्रीटमेंट दे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें आप। चौथी कंडीशन तो वर्नलाइजेशन की मेन है कि इसे आप लो टेम्परेचर दें। हम पीछे आपको बता भी चुके हैं कि लो टेम्परेचर का मतलब वर्नलाइजेशन के केस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये लो टेम्परेचर कितना टाइम तक देना है, तो कहते हैं इसके लिए एक अनुमान के हिसाब से कुछ दिन से लेके हफ्तों तक जा सकता है इस समय, यानी फ्यू डेज टू इवन वीक्स, कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक बाद जा सकती है। और इसमें फिफ्थ वाला रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो आर्टिफिशियल लो ट्रीटमेंट आप सीड्स को देते हैं जिसके कारण उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, अगर आपको फोटो पीरियडिज्म याद हो तो हमने बताया था कि जो लाइट, प्लांट का जो ऑर्गन लाइट को परसीव करता है और फ्लावरिंग कराता है वो लीव्स होती हैं। लीव्स लाइट को और डार्क को पहले परसीव करता है और उसके हिसाब से फ्लावरिंग कराता है। यानी लाइट परसीविंग ऑर्गन कौन कौन सा था, कहते हैं लाइट परसेप्शन के लिए जो ऑर्गन था फोटो पीरियडिज्म में वो लीव था। अब यहाँ पर जो लो टेम्परेचर दे के फ्लावरिंग कराई जा रही है, तो कोई ऑर्गन ऐसा ज़रूर होना चाहिए प्लांट का जो लो टेम्परेचर को परसीव करे, जो लो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स दे और फ्लावरिंग कराए। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर जब सीड को दिया जाता है तो इसे परसीव किया जाता है बाय एम्ब्रियो, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सीड। अब एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर, उसमें कौन सा टिश्यू होता है, हम लोग को पढ़ चुके हैं जब
SRFP पढ़ रहे थे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पर जो मेन एम्ब्रियो में टिश्यू होता है वो होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो मेन परसीविंग पार्ट एम्ब्रियो है और उसके अंदर भी कौन सा टिश्यू कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जो लो टेम्परेचर को परसीव करता है। अगर ऐसा हो कि आप सीड में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई यंग प्लांट ले ले रहे हैं, सीडलिंग टाइप यंग प्लांट ले रहे हैं, उसमें कौन सा ऑर्गेन ऐसा होगा जो लो टेम्परेचर को परसीव करेगा? सीड में तो एम्ब्रियो और मेरिस्मैटिक टिश्यू हो गया। यंग प्लांट में अगर कोई पूछे कि भाई यंग प्लांट को अगर आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्लावरिंग के लिए, तो यंग प्लांट में कौन सा ऐसा ऑर्गेन होगा जो लो टेम्परेचर को परसीव करेगा? तो कहते यहाँ पर आएगा शूट एपिकल मेरिस्टम। एनाटमी में इसकी बात हम कर चुके हैं, एपिकल मेरिस्टम के केस में शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये वो पार्ट है जो यंग प्लांट में परसीव करेगा, और सीड में कौन परसीव करेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी कौन सा टिश्यू? मेरिस्मैटिक टिश्यू। तो ये कहानी हो गई यहाँ तक वर्नलाइजेशन की। अब एक साइंटिस्ट के नाम से बात को आगे बढ़ाते हैं। साइंटिस्ट का नाम सुनिए, साइंटिस्ट का नाम है मेल्शर, MELCHER, मेल्शर। मेल्शर ये कहते हैं कि जब किसी प्लांट को वर्नलाइज किया जाता है यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब किसी प्लांट को वर्नलाइज किया जाता है, यानी वर्नलाइजेशन ऑफ प्लांट, तो होता क्या है? मेल्शर कहते हैं तो वहाँ पर एक हार्मोन बनता है जिसको वर्नालिन कहते हैं। कहते हैं वहाँ पर एक हार्मोन बनता है, हार्मोन इज फॉर्म्ड, और इस हार्मोन का नाम मेल्शर ने दिया वर्नालिन। मेल्शर कहते हैं वर्नालिन जो है बिल्कुल फ्लोरिजन की तरह ही एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, आज तक इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका। तो जैसे फ्लोरिजन हाइपोथेटिकल है, ऐसे वर्नालिन भी क्या है? हाइपोथेटिकल हार्मोन, इसको अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा पाया। कहा जाता है ये होता है, बस इतना ही। और दूसरी बात कि अगर आप किसी प्लांट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दें तो उसमें फ्लावरिंग होती है, तो इसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। अगर आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को किसी हार्मोन से प्रोड्यूस करना चाहें तो वो हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। रीज़न क्या है? क्योंकि जो वर्नालिन है वो एक जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस है, ये एक तरह का जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस है, इसीलिए जो काम वर्नालिन करेगा वही काम कौन करेगा? जीए करेगा। तो या तो आप प्लांट को वर्नलाइजेशन कराना है तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दीजिए, या अगर वर्नलाइजेशन कराना है बिना लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के तो आप वहाँ पर जीए प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि जीए सब्सटेंस जो है वो वर्नालिन है, वर्नालिन वही काम कर देगा जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस जो आते हैं वो पढ़ेंगे, एक तो फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के बीच में, फोटोपीरियोडिज्म और दूसरी तरफ है वर्नलाइजेशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस यहां पर है फोटोपीरियोडिज्म के लिए क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड ऑन फ्लावरिंग, डिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड ऑन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग पर किस, फ्लावरिंग का किस पे डिपेंडेंस? कहते हैं फ्लावरिंग का डिपेंडेंस ऑन लाइट एंड डार्क पीरियड। इसका क्या है? कहते हैं इसका मतलब है डिपेंडेंस ऑफ लो टेम्परेचर, वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंस है, ये लो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस, लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। तो ये पहला डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींच दे रहे हैं कि ये पहला डिफरेंस हो। अगले डिफरेंस की तरफ आइए, फोटोपीरियोडिज्म में लाइट को परसीव करने वाला साइट क्या होता है, यानी लाइट ऑफ परसेप्शन क्या होता है?
साइट ऑफ परसेप्शन मेनली होता है लीव्स। तो फोटोपीरियोडिज्म में लाइट को परसीव करने वाली साइट यानी साइट ऑफ परसेप्शन होते हैं लीव्स। आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे साइट ऑफ परसेप्शन जो है, अभी अभी आपको बता चुके हैं कि जब सीड में दिया जाता है तो वो एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो में भी कौन सा टिशू, मेरिस्मैटिक टिशू, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं मेरिस्टम, तो यहाँ साइट ऑफ परसेप्शन है मेरिस्टम। अब अगले डिफरेंस पे आते हैं, दोनों साइट पर ज़रा ध्यान दीजिए, दोनों की साइट ऑफ परसेप्शन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो साइट ऑफ परसेप्शन है वो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। लीफ में आप जानते हैं जितने टिश्यूज़ होते हैं सब डिफरेंशिएटेड होते हैं, एनाटॉमी में लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं। जबकि मेरिस्टम में जितने भी मेरिस्टम जो टिश्यू होता है ये सारा का सारा अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना होता है। ये तीसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो साइट ऑफ परसेप्शन है, साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन जो यहाँ पर है वो है डिफरेंशिएटेड सेल्स। यहाँ पर साइट ऑफ परसेप्शन क्या है भाई, यहाँ पर साइट ऑफ परसेप्शन है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मेरिस्टम क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। ये एक और डिफरेंस हो गया भाई। अब अगले पे आइए, अगला है कि फोटो पीरियडिज्म एक हार्मोन द्वारा मीडिएटेड होता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं फ्लोरिजन, मीडिएटेड बाय फ्लोरिजन हार्मोन। वर्नलाइजेशन किस हार्मोन से होता है, कहते हैं मीडिएटेड बाय, देखिए मेल्शर ने बताया था, मीडिएटेड बाय वर्नालिन हार्मोन, वर्नालिन हार्मोन द्वारा। आगे चलिए, इसके बाद फोटोपीरियडिज्म में जो पिगमेंट लाइट को परसीव करता था, यानी पिगमेंट परसीविंग लाइट, नाम बताइए उसकी, दो फॉर्म बताई थी, परसीविंग लाइट याद करिए उसे कहते थे फाइटोक्रोम, और फाइटोक्रोम की दो फॉर्म बताई थी, एक PR एक PFR। वर्नलाइजेशन में ऐसा कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है जो लो टेम्परेचर को परसीव करे, अभी तक तो कोई डिटेक्ट नहीं किया गया। तो पिगमेंट परसीविंग लो टेम्परेचर, उसके लिए आप लिखेंगे नॉट डिटेक्टेड येट, अभी तक तो नहीं ढूंढा जा चुका है, अभी तक ढूंढा नहीं गया है, नॉट डिटेक्टेड येट। अगला है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि LDP में GA देने से भी, यानी जिब्रेलिक एसिड देने से भी, लॉन्ग डे प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड देने से भी फोटोपीरियडिज्म कॉज होता है, शॉर्ट डे प्लांट में जिब्रेलिक एसिड से फोटोपीरियडिज्म नहीं होता, वहाँ एब्सेसिक एसिड देना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे प्लांट्स में से केवल LDP ऐसा है जो रेस्पॉन्ड करता है टू GA यानी जिब्रेलिक एसिड, जबकि यहाँ पर देख लीजिए ज़रा आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सारे प्लांट जितने भी लो ट्रीटमेंट चाहते हैं उनमें सारे प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे GA के लिए, क्योंकि आप जानते हैं GA सब्सटेंस ही होता है वर्नालिन। तो सारे प्लांट जितना लो ट्रीटमेंट, वो सारे प्लांट जो लो ट्रीटमेंट चाहते हैं वो सब के सब रिस्पॉन्ड करेंगे GA के लिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो फोटो पीरियडिज्म है इट इज़ शोन बाई ऑलमोस्ट ऑल दी प्लांट्स, जो लाइट ट्रीटमेंट है इट इज़ शोन बाई, तो यहाँ पर शोन बाई ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स द्वारा शो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, शोन बाई प्लांट्स, वहाँ पर जो ठंडी जगह पे होंगे क्योंकि लो ट्रीटमेंट चाहिए ना, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, प्रेजेंट इन टेम्परेट, आप जानते हैं इको में हम पढ़ा चुके हैं टेम्परेट रीजन लो टेम्परेचर रीजन होता है, आर्कटिक
याद करिए, ये भी लो टेम्परेचर है, और माउंटेन पे जो लो टेम्परेचर होता है, याद करिए, इकोम पड़ा था अल्पाइन, तो सारे लो टेम्परेचर रीजन में प्रेजेंट प्लांट्स जो हैं दे ऑल शो वर्नलाइजेशन। तो ये टॉपिक हो गया वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट पार्ट पूरा करेंगे, और वो है प्लांट मूवमेंट। थैंक यू।